भारत के निवर्तमान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की तरफ से देश के मुस्लिमों में असुरक्षा की भावना को लेकर दिए बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेहद नागवार गुजरा है। अंसारी के बयान पर बोलते हुए भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि दुनिया में मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश नहीं हो सकता और ना ही हिंदू से अच्छा कोई दोस्त हो सकता है। शहनाज हुसैन ने वर्तमान उपराष्ट्रपति के उस बयान पर हवाला दे रहे थे जो हामिद अंसारी ने राज्यसभा टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में कहा था। उनसे पूछा गया था कि हाल में भीड़ की तरफ से पीट पीट कर मारने की घटना और गोरक्षा की तरफ से किए जा रहे हिंसा ने देश के मुस्लिम समुदाय को भयभीत कर दिया है। समाचार एजेंसी INSA के अनुसार इसके जवाब में अंसारी ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल सही आकलन है। देश के सभी जगहों से ये मैं सुनता आया हूँ। मैंने ये बातें बेंगलोर में सुनी हैं, ये बातें देश के अन्य हिस्से में भी सुनी हैं। सबसे ज़्यादा इस तरह की घटना उत्तरी भारत में सुनी है। उनमें एक तरह से असुरक्षा की भावना है और भयभीतियाँ हैं, उससे स्वीकारता का माहौल खतरे में है। हामिद अंसारी की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब असहनशीलता और कथित गोरक्षा को गुंडागर्दी की घटनाएं सामने आती गई हैं और कुछ भाजपा नेताओं की तरफ से अल्पसंख्यक संस्थाओं के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया की है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने कहा है, अगर हामिद अंसारी जी को मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना दिख रही है तो इस विषय को लेकर उन्होंने पहले ही अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया।